मेरा नाम डॉक्टर नितिन कुमार गुप्ता है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में एज ए सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन कार्यरत हूँ और मैं आपसे बात करूँगा नेशनल एपिलेप्सी डे पे, जो कि हर साल 17 नवंबर को अपने देश में मनाया जाता है। यह मिर्गी के बारे में है और मिर्गी जो होती है एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी मूर्छित हो जाता है। उसके हाथ पैरों में कंपन, मुँह से झाग आना, जीभ कटना या कभी कभार स्टूल या यूरिन भी अंदर कपड़ों में पास हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को एज ए सोशल टैबू समझा जाता है, जो कि बहुत गलत है। यह कोई दैवीय प्रकोप या मन का प्रभाव नहीं है, यह अपने आप में एक बीमारी होती है जिसमें ब्रेन में एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस होने की वजह से इनवॉलंटरली ये सारे एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें व्यक्ति का कोई जोर नहीं चलता होता है और ये लोग भी अपनी सोसाइटी में उतने ही प्यार और सम्मान के हकदार हैं जितने कि अन्य लोग हैं। तो आइए आज हम रिजोल्यूशन लें कि किसी भी एपिलेप्सी पेशेंट को हम एटलीस्ट उस नज़र से हम ना देखें जिससे कि एक सोशल टैबू समझा जाए, तभी सही मायने में ये नेशनल मिर्गी दिवस सार्थक हो पाएगा। नमस्ते।